้วยที่มันไหลหุ่นเฟ้อสวยด้าฮะดูอะไรที่เด็กไหมดูบายบายकैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। तो आज मैं रात से व्लॉग स्टार्ट किया, अभी बजा है 10:30। तो कल है खुशी की जो बेबी हुई है उसका कल राइस सेरेमनी है और संदीप है उसका मामा, तो वो राइस खिलाएगा उसको। तो इसीलिए मैं थोड़ा उसके लिए एक वॉक सेट कर रही हूँ और कुछ चीज़ मैंने लाया हूँ। तो कल तो उसके घर जाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे और अभी मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रही थी और ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी अभी मैं, तो खाली बच्ची का एक फ्रॉक दिखाऊंगी खाली। हाँ जी, ये फ्रॉक देखिए कितना क्यूट है। तो अभी ये ना छोटा छोटा चीज जो मैं इसके लिए लाई थी उसको मैं इस बॉक्स में करके उसको मैं उसके घर पे लेके जाऊंगी। और मैं मामी हूँ ना उसका, तो मामी का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा थोड़ा। और ये जो है, ये है हमारे जो शानू है उसके लिए है, और इसका वो पैंट है, दोनों भाई का कलर एक ही जैसा। संदीप ने भाई बहन का दोनों का एक ही जैसे कलर चूज किया है। ये देखिए कितना क्यूट है। ये दूसरा देखो, दूसरा जो है ये एक फ्रॉक है जो मैंने बोला है नहाने के बाद इसको पहनाएंगे और वो खाने के टाइम में पहनेगी जो। और ये है देखिए जूता, 6 to 9 months इतना छोटा है, तो वो तो पहनेगी नहीं, लात मार के फेंक देगी। और ये है उसका एक फेस टॉवल। और ये है अगर ज्यादा गर्मी लगे तो उसको वो ये पहनेगी छोटी वाली उसके साथ। ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है डॉल खेल रही हूँ मैं। डॉल ड्रेसेस। तो ये मैं अभी पैक टैक करूंगी। और मैंने फिर से खीर बनाया उसके लिए जो मामी बनाती है, तो बेगौली का बहुत सब ये होता है, तो हम इतना दूर रहते हैं सब कुछ तो हम ऐसे कर नहीं सकते, तो जितना हो सकेगा हम लोग करेंगे, इधर बहुत एंजॉय करेंगे दोनों फैमिली। तो चलिए मिलते हैं सुबह फिर से। और मैं ये वाला एक सेट लिया है जो मामा को देना पड़ता है। हम बंगाली में कासर यूज करते हैं, बट इधर कासर कहाँ मिलेगा। तो ये कॉपर वाला पीछे है ना जो रेस्टोरेंट में, जो एक बहुत भारी है ये थाला, रेस्टोरेंट में बटर चिकन बेचते हैं जो कढ़ाई में आता है ना, तो ये 3 मैंने बोल लिया है। और ये ऐसा ही मिला है, पूरा कॉपर का ही है ग्लास। और ये थाली थोड़ा बच्ची के लिए बड़ी हो गई है, बट कोई बात नहीं चलेगा, बहुत ही भारी है, बहुत भारी है, मैं लूंगी। तो ये दिखाना था, ये भी मैं अभी पैक करके रख दूंगी। और बॉक्स पैक हो गई है इधर, ये इधर रख दिया मैंने पैक करके, तो अभी यही जाना है। ठीक है, तो चलिए सुबह मिलते हैं फिर से। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं सुबह आज मिल नहीं पाई, सीधा इधर चली आई इसीलिए, क्योंकि बहुत टाइम मेरा वेस्ट हो गया था और मेरा तो कमर में पेन है पता ही है आप लोगों को, तो आने में भी टाइम लग गया। तो सुबह मैं घर पे कोई वीडियो नहीं किया, सीधा खुशी के घर में आ गई हूँ। और ये मेरा आज का ड्रेस है, मैं साड़ी नहीं पहन पाई क्योंकि कमर में मेल है, उस साड़ी के ऊपर पहनूंगी तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो मैं ये रेड कलर ही पहनी हूँ। और आज बच्ची के साथ हम लोग क्या क्या खाना शेयर करेंगे, क्या करेंगे, कैसे खिलाते हैं हम बंगाली लोग, सब कुछ हम लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मिलते हैं बाद में। हाथ पाते तुम्हें मामा गई
चीनी खावते ए सैया छेर दे दे ननद चुटकी लेवे ए बसख महीने खाई के बीरा पा पूरे रायपुर में अलग है सैया जी की शान। इधर तो सिंदूर पाउडर नहीं है तो लिक्विड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो बंगाली में ऐसे बनाना पड़ता है। सास गाली देवे ननद चुटकी लेवे नियाशो के नियाशो, इधर लेके आओ उसको। ये है खुशी का टेंपल, कितना सुंदर है, भगवान को तो दिखाना पड़ा। ये है गोपाल, इधर बाथटब में क्या क्या हो रहा है देखो। ये है पुछू का बाथटब, पुछू इधर नहाएगी अभी। हमारा क्वीन अभी आएगी, आज राजा का भी करुणेशन हो गया, इधर हमारा क्वीन का भी होगी। अभी इसमें दूध मिलाएगी और क्या मिलाना है पीछे? गुलाब की पंखुड़ी। हाँ, गुलाब की पपड़ी पंखुड़ी। अच्छा, तू भी बांग्ला थे आओ क्या, मैं बांग्ला में करूंगी तू हिंदी में चली जाओ। तो गड़बड़ होगी ना, जिसको जो करना था वो नहीं हो। चल अभी ये दूध मिला रही है। अयो, पहले तो बॉटल का कैप ही नहा लिया। शांति बात कर, मेरे ऊपर बसे पड़। नहीं आशो पूछू इधर आ जाओ। रॉयल नहाएगी आज। ये बनता है भाई। Do you want to put? Then you can. बस आना। It's not good for bone. आयो ना। चल। अभी इधर ना पुचू को अभी नहाने से पहले हल्दी लगा रहे थे हम सब, उसके बाद उसको नहाएंगे। तो नहाने से पहले जो नियम है हम बंगाली में, थोड़ा बहुत सब तो प्रॉपर हम नहीं कर पाए इधर, क्योंकि हमारे बड़े कोई भी इधर नहीं थे। तो दोनों घर मिला के जैसे हम लोगों को बताया गया था इंडिया से, हमारे घर वाले सब वैसे थोड़ा थोड़ा करके कोशिश किया, क्योंकि सब कुछ तो इधर नहीं हो सकता प्रॉपर तरीके से। तो जितना हो सकता है हम लोग सब किया, और पूछू घबरा गई थी और वो रो रही थी, तो उसके लिए जल्दी जल्दी पहले नहाने के बाद फिर उसको खिलाने का टाइम आ जाएगा। इधर हमारा पूछू भी रेडी हो गया, इधर रेनी गाना लगा के, मतलब 90s का सॉन्ग लगा के वो नाच रही थी। उसका 90s का सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है हिंदी में, तो वो नाच रही थी। और रेनी का ड्रेस आज ये है, ये हैदराबाद से मैं लाई थी जब इंडिया गई थी। इधर देखो सब लोग मेरे तरफ, हम सब काम में बिजी है, जिसकी कमर में दर्द है वो बैठी है। तो अभी मैं पूछू जो खाएगी, हमारा रोज का खाने का टाइम हो गया,
तो टाइम पे ही खिलाना पड़ेगा। तो उस टाइम के लिए तो मैं उसका थाली रेडी कर रही थी, तो खुशी ने बोला कि तुमको ही रेडी करना है, तो मैं ही रेडी कर रही थी। और काफ़ी अच्छा लग रहा था कि ये जो मुझे करने के लिए मिला है ये सब, मैं उसका एक तरफ से मैं उसका मामी भी हूँ, एक तरफ से मैं उसका मासी भी हूँ। तो मतलब संदीप उसका मामा भी है और संदीप उसका क्या बोलते हैं बंगाली में, पीछे मशाई बोलते हैं, अंकल ही होगा, अंकल ही, दोनों तरफ से अंकल ही है वो। तो ये एक अलग सा फीलिंग होता है, अच्छा लगता है। और हमारे रोज़ के लिए हमने जितना भी हो सका हमने कोशिश किया करने के लिए। तो जब बड़े होते तो और भी अच्छा होता, कोई बड़े नहीं थे इस टाइम में, क्योंकि उसके डिलीवरी के टाइम में बड़े सब आके घूम के गए थे और 6 महीने के अंदर तो कोई आ नहीं सकता। तो जितना हमको बोला गया हम कोशिश किया ठीक से करने के लिए, और सब उनको उसको आशीर्वाद कीजिएगा कि वो अच्छे से बड़े हो, अच्छे से रहे, सुस्त रहे, और क्या बस। आइटम आप लोग देख ही रहे हो, राइस है, दाल, हम लोग 5 टाइप के वो भाजी देते हैं जिसमें इंक्लूडिंग देखो रोहू फिश भाजी है, परवल, बैंगन, गोभी, आलू। और स्वीटी ने वो खीर बना के ही लाई थी घर से, बहुत अच्छा एकदम सैफरन वैफरन डाल के। और ये हम लोग चटनी बोलते हैं, वो मैं किसे टमाटर के बनाए, मिक्स फ्रूट चटनी है। ये प्रॉन के मलाई करी टाइप है एक डिश है, दिस इज मटन। और ये पापदा फिश है, पापदा फिश हम लोग बोलते शोरशे झाल, सरसों से बनता है ये, बहुत अच्छा बनता है, दादा भाई ने बनाया है। और ये स्पेशल ऑर्डर चमचम है, आज देखो इनका प्लेट, इसको देखना इसको कितना एक्साइटेड है खाने के लिए। बच्चे कितना जल्दी बड़े हो जाता है पता भी नहीं चलता है, अभी लग रहा था कि अभी अभी हुआ है। देखिए बैठना भी सीख गया, राइस सेरेमनी भी हो गया, और अभी है उसका टाइम जो अभी उसको खिलाएगा संदीप। और उसके लिए पहले थाली का भी प्रश्न कर रहा था, और रोज़ थोड़ा घबरा गई थी क्योंकि इतना शोर शराबा हो रहा था, तो थोड़ा रो पड़ी थी। और उसके लिए उसको चुप कराने के लिए उसका पापा उसको पकड़ के रखा था, फिर संदीप बोला पहले उसको अभी थोड़ा सा उसको पकड़ लो, फिर ऐसे ना उसको खाली बैठ के उठ के घुमा के ऐसे राइस खिलाना पड़ा था, नहीं तो बहुत रो रही थी बच्ची। तो सबसे पहले अभी उसको मैंने बोला कि पहले रेडी कर लो राइस, एक सब कुछ मिला के उसको थोड़ा सा मुंह में खाली टच ही करना है, क्योंकि अभी तो खा नहीं सकती ना ज़्यादा, तभी उसको देगा। सबसे पहले वो थाली में हम लोग रेडी करके देते हैं क्या पकड़ेगी बच्ची, तो उसमें बॉक्स थोड़ा एक गोल्ड मिट्टी और पैसा रहता है। और पूछू ने देखिए क्या टच किया है, हाँ देखिए वो ना पैसा ही टच किया है। और हमने सब जोर से हंस पड़ी और वो रो पड़ी, उसको जोर का साउंड उसको एकदम बर्दाश्त नहीं होता है, बच्ची है एकदम। और कल रात तो मैं दिखा नहीं पाई थी ये भी संदीप ने, मामा है तो उसको गिफ्ट किया है ये हार। और बच्ची बहुत स्वीट खाने के लिए बहुत उसको मज़ा हो रहा था, तो थोड़ा गुस्सा भी हो गया देखिए। और इधर रेनी का भी बचपन में मामा भात नहीं हुआ था, तो मुंह में प्रसादी हुआ था, किसी कारण नहीं हो पाया था, तो आज मेरा ब्रो ने रेनी को ऐसे खिला दिया, ऐसे लग रहा था उसका आशीर्वाद हो रहा है, बट मन से खिलाया और रेनी भी खुश हो गई थी, थोड़ा शर्म भी आ रही थी 16 ईयर पर लड़की को, और राइस सेरेमनी मतलब एक अंदर से उसको अच्छा फीलिंग भी आ रहा था रेनी को। तो मामा भात हो गया उसका भी,
वो कभी बोल नहीं सकती कि मेरा मामा भात नहीं हुआ, तो उसका भी मामा भात हो गया। तो अच्छा लग रहा था, एक मजाक मजाक में सब कुछ हो गया और मजाक में सच एक चीज़ हो गया कि मामा ने प्रॉपर, जैसे संदीप ने रोज़ को खिलाया वैसे अनिर्बान ने भी, मेरा ब्रो ने भी रैनी को वैसे ही खिलाया, आशीर्वाद भी अच्छे से किया। और रोज़ को देखिए, रोज़ इतना रो रही थी, बोल के उसको प्रेम में सुला दिया क्योंकि प्रेम में वो अच्छी रहती है। और रैनी बहुत शर्म आ रही थी रैनी को। अच्छे से सब कुछ हो गया था, हम खाने के लिए भी बैठ गए थे और बच्चे पहले शान को पहले खिला दिया था, लड़के लोग भी खा लिया था पहले, उसके बाद हमने खाने के लिए बैठा क्योंकि रोज़ को खुशी ने पकड़ के रखा था, तब तक लड़के लोग खा लिया था। धीरे धीरे कोशिश कर रही है आजकल चलने की, एंड द प्रैम इज हेल्पिंग हर अ बिट। सो ये घर के एकदम, हम लोग हाई स्ट्रीट में रहते हैं, घर के एकदम पास ही एसडन बीएनएम है, उसे कुछ लेना था तो बोला चल खुशी धीरे धीरे चलते हैं, तो हम लोग आ गए। तो बाहर से मैं आ गई थी, फिर मैं थोड़ा शान के साथ बैठ के मजाक कर रही थी, शान गेम खेल रहे थे, मैं गाना देख रही थी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पेंट करूँगी, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।